नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। शेखर और मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खास खबरें। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट बहस पर दिया जवाब, कहा बजट घोषणाओं को पूरा करना राज्य सरकार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान विधानसभा में ली विधायक दल की बैठक, कहा आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की शिष्टाचार भेंट, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ कृषि उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में की विस्तार से चर्चा। और विधानसभा में सवाल जवाब का दौर रहा जारी। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में बजट 2024-25 की बहस पर जवाब पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट का पूरी जनता ने स्वागत किया, साथ ही बजट में युवाओं, महिलाओं, उद्योगपतियों और कर्मचारियों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। हमने प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों लॉन्ग टर्म गोल्स तथा विकसित राजस्थान एट 2047 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। राज्य के विकास में आम नागरिकों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए तथा बजट को सभी वर्गों क्षेत्रों के लिए समावेशी बनाने के लिए आमजन एवं संगठनों के सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्रदेशवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाते हुए लगभग 1,67,000 से अधिक सुझाव हमको प्राप्त हुए। साथ ही हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स यथा महिलाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं, किसानों, उद्योगपतियों, व्यापार मंडलों, कर्मचारियों आदि संगठनों के साथ प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स आयोजित की गई थी। मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों को का संबंधित विभाग से परीक्षण करवाकर इन सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई कर यथासंभव बजट में समावेशित किए जाने का प्रयास किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बजट भाषण में जो भी घोषणाएं की हैं, उन्हें पूरा करना हमारा लक्ष्य है। दिया कुमारी ने कहा कि हमने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए समावेशी बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि आपनों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए हमने विजनरी बजट पेश किया है, जिससे वर्ष 2047 तक राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार किया जा सके। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि बजट में किसान कल्याण को ध्यान में रखते हुए भी विशेष घोषणाएं की गईं, जिससे किसानों को संबल मिलेगा। वहीं कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। हमारी सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को समृद्ध बनाकर विकसित एवं खुशहाल राजस्थान का अपना का सपना साकार करेगी तथा हम उन्नत कृषि, खुशहाल किसान के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसानों को सभी तरह से संबल देने का प्रयास कर रही है। हमारे द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें कृषक कल्याण एवं कृषि विकास हेतु 96,787,27,00,000 रुपए का प्रावधान रखा है। 96,787,27,00,000 रुपए का प्रावधान रखा है। किसान साथियों को सिंचाई हेतु जल की पर्याप्त उपलब्धता रहे, इसके लिए हमने दीर्घकालीन योजना के तहत राजस्थान इंटीग्रेटेड वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ कर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य किए जाने का लक्ष्य लिया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ग्रोथ रेट पर कहा कि दिसंबर 2023 में राजस्थान की जीएसडीपी दर 11.58% थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 12.58% हो गई। हमारी सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 16.53% करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर भी विशेष जोर दिया गया है। हमारी सरकार के द्वारा अल्प अवधि में ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में दिसंबर 2023 तक जीएसडीपी की वृद्धि दर जो कि 11.58% थी, वह मार्च 2024 में बढ़कर 12.56% हो गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के एक्शन प्लान के दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में जीएसडीपी में वर्ष 2024-25 के लिए 16.53% वृद्धि दर का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इस बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारा संकल्प उन्नत राजस्थान, विकसित राजस्थान। आज राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित किया और उपस्थित समस्त सम्मानित विधायक गणों से प्रत्येक प्रदेशवासी की खुशहाली और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण निस्वार्थ भाव के साथ सेवा करने का आह्वान किया। हमारी सरकार अपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प के अनुरूप जन जन के सर्वांगीण उन्नयन के लिए वचनबद्ध है। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के दोडा जिले में आतंकियों के किए गए कायरतापूर्ण हमले में वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सेना के कैप्टन समेत चार जवानों की शहादत पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों की ओर से किए गए कायरतापूर्ण हमले में वीर धरा राजस्थान के सिंघाना के भैसप्ता कला गांव के लाल अजय सिंह नरुका जी की शहादत पर भावभीनी श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शहीद अजय सिंह नरुका जी के परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत वीर आत्मा को शांति प्रदान करें। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और कृषि के लिए उर्वरकों की उपलब्धता के संबंध में विस्तार से चर्चा की। और अब विधानसभा में आज सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में कहा है कि राज्य बजट 2024-25 में 9000 करोड़ रुपए की राशि से सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण और उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण और नवीनीकरण में नियम के अनुसार सभी मानदंडों की पालना की जाती है। इस बजट में लगभग 9000 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण, नवीनीकरण एवं उन्नयन प्रस्तावित है। बिल्कुल, हम लोग उसको फॉलो कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ऐसा कुछ अगर है तो आप मुझसे मिले। आपकी कोई अगर ऐसी विशेष सड़कें हैं जो आपको लगा है 3 सालों में ध्यान नहीं दिया गया और पूरी तरह से हमारी सरकार इस पे काम भी करेगी। विधि एवं विधिक संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया कि भीम विधानसभा क्षेत्र के ACJM न्यायालय को ADJ न्यायालय में क्रमोन्नत करने के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श कर गंभीरता से विचार किया जाएगा। विधि एवं विधिक संसदीय कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यहां 153 सिविल केस और 213 फौजदारी केस सहित 366 प्रकरण लंबित है और प्रकरणों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भीम मुख्यालय पर वर्तमान में ACJM न्यायालय स्थापित है और इसे ADJ न्यायालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है। भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार भीम क्षेत्र के अपर जिला न्यायालय स्तर के 1200 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के विश्नोई ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि नेफ्ट बाउंस के खाते और आधार से सत्यापित नहीं होने के कारण लंबित फसल बीमा पॉलिसियों के भुगतान के वैकल्पिक खातों में करने के लिए टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए बीमा कंपनियों को निर्देशित कर दिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की तरफ से जवाब दे रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि नेफ्ट बाउंस खाते और आधार से सत्यापित नहीं होने के कारण लंबित प्रकरणों में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के तहत वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम की राशि वितरित कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में बीमा कंपनियों और जिलों को निर्दिष्ट कर दिया गया है। कुल राजस्थान प्रदेश के अंदर 11,31,47,000 इतनी पॉलिसियां हुई है और सभी किसानों का जो भुगतान, मैंने जैसा कि पूर्ववर्ती सदस्य को अभी बताया था कि जिन जिन खाते नेफ्ट बाउंस हो जाते हैं उन खातों के लिए भारत सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं और यहाँ से राजस्थान सरकार उनको डिटेल भेजने के बाद में वापस बीमा कंपनियां यहाँ पर अपने कैंप लगाती है। कैंप लगाने के बाद में उनके वापस वैकल्पिक खातों की जैसे ही संख्या मिलती है उनको वापस पैसा देने की व्यवस्था हमेशा सदैव की जाती है। जल्द से जल्द कैंप लगाने का हम ऑलरेडी निर्दिष्ट कर चुके हैं।
इसी क्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र आहोर के उच्च प्राथमिक विद्यालय मिठड़ी, सुमेरगढ़, खेड़ा, सेलड़ी और बागुंदा को क्रमोन्नत करने के लिए पुनः प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में मानदंड पूरा नहीं करने के कारण इन्हें क्रमोन्नत नहीं किया गया था। इसी के साथ आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।